दोस्तों, कोविड-19 पेंडेमिक से पहले पूरी दुनिया निश्चिंत होकर चाइना पर डिपेंडेंट थी, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के बाद पूरी दुनिया को एहसास हुआ कि चाइना पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसके बाद पूरी दुनिया ने चाइना पर निर्भरता कम करने पर काम शुरू कर दिया। और अब रिसेंटली यूएसए अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं कि दुनिया की सप्लाई चेन को लोकलाइज किया जा सके, यानी यूएसए एक सप्लाई चेन नेटवर्क बनाना चाहता है कनाडा, मेक्सिको और यूएसए के बीच में, ताकि यूएसए में ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो सके और सभी बड़ी बड़ी कंपनीज चाइना को छोड़कर कनाडा, मेक्सिको और यूएसए में अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप कर ले। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस पूरे मूव से इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। तो इसके जवाब में एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्थ अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, इसलिए अगर चाइना से इंडस्ट्रीज निकलकर नॉर्थ अमेरिका में शिफ्ट भी होती हैं, तो इंडिया के लिहाज से ये एक एनिमी कंट्री से इंडस्ट्रीज का निकलकर एक फ्रेंडली कंट्री में शिफ्ट होना ही माना जाएगा, जो इंडिया को लॉन्ग रन में बेनिफिट्स ही पहुंचाने वाला है।